आज हम कहते हैं कि इस समस्या का समाधान रिजर्वेशन आरक्षण, हम थोड़ा आरक्षण का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। आरक्षण से कितना फायदा हो सकता है, कितना भला हो सकता है, आप जांच पड़ताल कर ले। देखो जनसंख्या में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो बुढ़े होते हैं उनको काम चाहिए नहीं, अब एक बच्चे होते हैं उनके काम चाहिए नहीं। दो दो निकाल दो, तो जो बीच के जवान बच गए वो कितने हैं, भारत में रोजगार चाहने वालों की संख्या 46,60,00,000, ये आंकड़े 2011 के हैं, क्योंकि 2021 की जनगणना अभी नहीं हुई है, अभी होगी मतलब पता चलेगा। और भारत में सरकारी नौकरी कितनी है, 1,76,00,000, जिसमें सब जोड़ के नीचे चपरासी से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक सब जोड़ के। अब भारत में प्राइवेट सेक्टर, ये टाटा बिरला अंबानी कितने लोगों को नौकरी इनके यहां मिलती है, 1,14,00,000। सरकारी प्राइवेट दोनों जोड़ को कितने नौकरी हुई है, 2,90,00,000। और रोजगार जिन लोगों को मिल गया उनका परसेंटेज कितना है, 100 में से कितने आदमी को नौकरी मिली हुई है, काम मिला हुआ है, ये रिजर्व बैंक का आंकड़ा है। 100 में 6 लोग, 6%, मतलब 94% लोगों को नौकरी नहीं मिली है। बेरोजगार लोगों का प्रतिशत 94 है। बेरोजगार लोगों की संख्या कितनी है, अब जो 46,60,00,000 थे उसमें 2,90,00,000 घटा कितना आएगा, 43,70,00,000 लोगों को रोजगार नहीं मिला हुआ है। आगे भारत में सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त तो ओबीसी लोगों की संख्या, पिछड़े जाति के कितने हैं जो नौकरी नहीं, 27% हो गए, 27% हो गए भाई, तो 1,76,00,000 के 27% कर दो कितना बना, 47,52,000। सरकारी क्षेत्र में जो नौकरी मिली एससी के लोग वो कितने हैं, वो 15% कर दो, जो कुल सरकारी नौकरी है 1,76,00,000 उसका 15% कर दो भाई, 15% तो रिजर्वेशन है, 26,40,000 लोगों को। अब भारत में एसटी के लोगों को जोड़ो वो कितने हैं, 7% रिजर्वेशन है इनकम, 7% रिजर्वेशन, 1,76,00,000 का 7% करोगे कितना आएगा, 12,32,000। भारत में सरकारी क्षेत्र में बेरोजगारी के लिए आरक्षण प्राप्त ओबीसी लोगों की संख्या वो कितनी बनी, 21 करोड़ कुल है नौकरी मांगने वाले ओबीसी में, और नौकरी मिली कितने को, 47,52,000 को नौकरी मिली। अब घटा दो इसको, माइनस कर दो, कितना बचे, 20,54,00,000। 20,54,00,000 को नौकरी कभी नहीं मिली, और नौकरी कितना को मिली, 47,52,000। अब 20,54,00,000 को कभी भी रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। अब रिजर्वेशन के वकालत जो करते हैं कि रिजर्वेशन से ही समस्या हल हो जाएगी, उनके पास इस बात का क्या जवाब है कि ये जो 20,54,00,000 आदमी हैं ओबीसी के पिछड़े वर्ग के, उनके जिंदगी कैसे चलेगी, वो क्या पाकिस्तान के पास जाकर के जिंदगी चलाए कि चीन के पास जाए, वो भी तो देश का नागरिक है, कहां जाए। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कुल कितना, 9.1 करोड़ नौकरी चाहने वाले, और नौकरी मिली कितने को, 26,40,000 लोगों को, घटा दीजिए बचा कितना, 8,83,00,000 अनुसूचित जाति के वो लोग हैं, 8,83,00,000 जिनको कभी नौकरी नहीं मिली। ये कितना परसेंटेज बना, 97%, मतलब 97% आदमी को जो अनुसूचित जाति में है उन्हें रिजर्वेशन का फायदा कभी नहीं मिलेगा। अब फायदा कितने को मिलेगा, 3%। ओबीसी के लोगों को जो फायदा नहीं मिलेगा, 97.8 यानी 2.2% लोगों को फायदा मिलेगा। रिजर्वेशन के फायदा कितने लोगों को है, 2% लोगों, अब बाकी 98% लोगों को रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं मिल रहा। अब अनुसूचित जाति जरा एसटी में देखो, बोड़ो देखो, ये बोड़ो एसटी है जी, इनका देखो, इनकी पोजीशन ये है कि इनकी कुल जनसंख्या जो रोजगार मांग रही है वो है 3.8 करोड़ पूरे देश के, अब नौकरी कितने मिली इनको, 12,32,000, घटा दो दोनों में कितना बचा, 3,67,00,000 वो लोग हैं एसटी के जिनको कभी भी रोजगार नहीं मिलेगा। ये प्रतिशत कितना बना, 96.5%, 96.5% एसटी को कभी रोजगार नहीं मिलेगा, 97% एससी को कभी रोजगार नहीं मिलेगा, और 97.8% ओबीसी को कभी रोजगार नहीं मिलेगा।
अब ये जो इतने प्रतिशत लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा आरक्षण से, तो उनकी जिंदगी कैसे चलेगी? वो नागरिक नहीं है कि वो इंसान नहीं है, वो जानवर है क्या? उनका उत्तर सरकार के पास क्या है? ये जो रिजर्वेशन की ही वकालत करते हैं कि रिजर्वेशन हो जाएगा तो फिर स्वर्ग उतर आएगा, रिजर्वेशन की कुछ कुर्सियां खाली हैं, सारी खाली कुर्सियां भर जाएंगी तो स्वर्ग धरती पर उतर पड़ेगा, ये झूठ बात है कि नहीं? रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन केवल ऊंट के मुंह में जीरा है, ये खाने की थाली में भोजन नहीं है, ये केवल सलाद है। सलाद सलाद से पेट भर लेंगे क्या? भोजन तो चाहिए। ओबीसी की जनसंख्या 60 करोड़ है, 21 करोड़ नौकरी मांग रहे हैं, नौकरी मिली है 47,52,000 को, 2.2% को नौकरी मिली है, 20 करोड़ 52 लाख को नौकरी नहीं मिली है, तो बेरोजगारी के लिए आरक्षण मिला है उनको, और इनका प्रतिशत बना 97.8। एससी अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या है 19 करोड़, जिसमें 9.1 करोड़ नौकरी मांग रहे हैं, और नौकरी मिली है 26,40,000 लोगों को, 2.9% लोगों को नौकरी मिली है, 8 करोड़ 83 लाख लोगों को बेरोजगारी का आरक्षण मिला है, जिनको कभी रोजगार नहीं मिलेगा, प्रतिशत बना 97। एसटी के लोगों को देखिए, अनुसूचित जनजाति के 8 करोड़ इनकी जनसंख्या है, 3.8 करोड़ लोग नौकरी मांग रहे हैं, 12,32,000 को नौकरी मिली हुई है, और 3.67 करोड़ लोगों को नौकरी कभी नहीं मिलेगी, इसका रिजर्वेशन मिला है। जनरल में ब्राह्मण ठाकुर बनिया एक तीन बिरादरी में ग्रेजुएशन कितने लोगों का है परसेंट मालूम? 86% लोग ग्रेजुएट हैं, और रोजगार इन लोग कितना मिला है? 89.7 लाख लोगों को रोजगार मिला है इस कम्युनिटी में। अब जरा ओबीसी में देखिए, ओबीसी की जनसंख्या बताते हैं 60 करोड़ है, और ग्रेजुएट लोग कितने हैं? 21 करोड़, और नौकरी कितने मिली है? 47,52,000। ठीक है, अगर ये देखें तो ये पता चलता है कि जो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को नौकरी ज्यादा नहीं मिल रही है, उसकी ये वजह है कि वो पढ़ते नहीं है, उनके पढ़ाई का परसेंटेज कम है। जब पढ़ोगे ही नहीं तो नौकरी कहां से मिल जाएगी? अब पढ़ते क्यों नहीं है? क्या शौक है नहीं पढ़ने का? क्यों नहीं पढ़ते? अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी पिछड़े वर्ग के लोग पढ़ते क्यों नहीं है? क्योंकि घर में पैसा नहीं, पढ़ाई में पैसा खर्च होता है, सरकार के स्कूल खोल देने से पढ़ाई नहीं होती है। जब तक माँ बाप उस लायक नहीं हो गए पढ़ाने लायक, बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। इन तीनों वर्गों में पढ़ाई लिखाई का लेवल बहुत कम है, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, और ये जो एससी एसटी ओबीसी की बातें करने वाले हैं, इनको न्याय की बात करते हैं, वो पढ़ाई बढ़ाने की बात नहीं करते, और इनके घरों में पैसा जाए इसकी बात भी नहीं करते। इसलिए अगर जुल्म अपर कास्ट वाले कर रहे हैं, तो वो नेता भी कर रहे हैं एससी एसटी ओबीसी के, जो इन वर्गों के परिवारों में पैसा पहुंचने देने के खिलाफ है। जब वोटरशिप की बात आई कि 8,000 रुपए सबको मिलना चाहिए, तो ये एसटी के नेता विरोध में है कि नहीं? आप अपने प्रदेश में देखो, कौन से एसटी के नेता हमारे साथ खड़ा है इस आंदोलन में? कोई खड़ा सब गायब। एससी का नेता, पिछड़ी जाति का नेता कौन खड़ा है? सब गायब। ओबीसी का कौन सा नेता खड़ा है? सब गायब। मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि अपर कास्ट के लोग ही हमारा शोषण कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। ये भी समझना चाहिए कि पिछड़ों के नेता भी पिछड़ों का शोषण कर रहे हैं। इतना लंबा बताने का यही एक निष्कर्ष था। इसलिए हमें सावधान रहना पड़ेगा कि जब जातिवाद के आधार पर समाज को बांटा जाता है, तो उसमें हमें सावधान रहना पड़ेगा, जातिवादी आंदोलन में कूदना नहीं चाहिए।